अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही आलू यानी के आलू का कोरमा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको हम घर में बआसानी बना सकते हैं। वैसे भी आलू की सब्जी को जिस तरह भी खाया जाए उसी तरह अच्छी लगती है। मैं इसको बहुत ही इजी और चटपटी बनाऊंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। तो बनाना शुरू करते हैं मजेदार दही आलू का कोरमा। सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए। इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके छिलका उतार दिया है। अब फोक की मदद से हम इसके इस तरीके से सुराख करेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से चला जाए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने। आप टूथपेक की मदद से भी इसके सुराख कर सकते हैं। इसी तरह ये हम सारे इसके फोक की मदद से सुराख कर लेंगे। हमने लिया है आधा कप घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। दो तेज पात, एक चाय का चम्मच जीरा, 5 से 6 अदद गोल मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्च, 2 अदद सब्ज इलायची, 3 अदद लौंग, 1 अदद मोटी इलायची। 1 मिनट हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए। 2 अदद हमने प्याज लिए जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आंच अब हम तेज कर देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। जब तक ये फ्राई होते हैं हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 पाव के करीब हमने दही ली है। दही के अंदर हम ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह खटाई पाउडर यानी अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने तैयार कर लिए। क्या आप देख सकते हैं प्याज ने अच्छे से कलर चेंज कर लिया। अब हमने जो मसाला दही के अंदर शामिल किए थे ये ऐड करेंगे। मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे 5 से 7 मिनट। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये साइड से ऑयल निकलना शुरू ना हो जाए। साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि साथ ना लगे। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। अब हमने जो आलू बॉईल किए थे वो ऐड करेंगे। आलूओं को भी हम मसाले के अंदर अच्छे से भूनेंगे। अब मजीद हम इसको 4 से 5 मिनट भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। इसको मजीद प्यारा सा कलर देने के लिए हमने चुटकी भर रेड फूड कलर लिया है। इसको हम पानी में हल करके इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। हमारे इलाके में कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिल रही, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। अगर आपके इलाके में कश्मीरी लाल मिर्च मिल रही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से इसको भून लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और आंच स्लो रखेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। ये देखें जबरदस्त। अब हम इसमें
आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको मसल लेंगे। 5 से 7 हरी मिर्चें, दरमियान में से मैंने ये कट लगा दिए। थोड़ा सा हरा धनिया, ये अच्छे से दही और आलू का कोरमा तैयार हो गया। अब फ्लेम बंद कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। दही आलू की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। इसका टेस्ट और मजा किसी कोरमे से कम नहीं। अगर ये मजेदार सी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और मजेदार टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।